जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है SSC GD। जी हाँ, SSC GD, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी जानकारी दी थी SSC Constable GD की, जो आप लोग की कट ऑफ, जी हाँ कट ऑफ की जो जानकारी यहाँ पे दी गई है SSC की वेबसाइट पे, आप लोग ऊपर आएंगे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ की जानकारी यहाँ पे सबसे ऊपर दी गई है। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेल फीमेल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग के जो स्टेट वाइज और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया वगैरह, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया पूरी डिटेल मिल जाएगी आप लोग के अपने स्टेट में कहाँ पे किसकी कितनी कट ऑफ हुई, ठीक है। इसकी जानकारी पे मैंने आप लोग को वीडियो बना दिया था और इसके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के, तो बहुत से स्टूडेंट जो है रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं रोल नंबर वगैरह से, चलिए मैं आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर आ जाएंगे मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को कट ऑफ की जानकारी दे दी है आप लोग के स्टेट के अनुसार जो भी आप लोगों की कट ऑफ है, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया वगैरह जो भी है। इसके अलावा आप लोग जो है रिजल्ट की जानकारी यहाँ से लेंगे, सबसे ऊपर कॉर्नर पे आप लोग देखेंगे रिजल्ट का ऑप्शन है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का आप लोग का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को सभी कई कैटेगरियाँ यहाँ पे दी गई हैं। आप लोग को Constable GD पे आना है, Constable GD पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आप लोग का जो Constable GD का रिटर्न एग्जाम है फीमेल कैंडिडेट के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यदि आप लोग फीमेल हैं तो ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पर आएंगे कॉर्नर पर, यहाँ पर आने के बाद रिजल्ट वाले बॉक्स में आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक कर दें। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो है रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरा रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा, जितने भी 253,544 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं PT PST के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आप लोग सबसे नीचे आ जाएंगे, 253,000 के आसपास आप लोग के कैंडिडेट यहाँ पे होने वाले हैं PT PST के लिए, ठीक है। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग को टोटल कैंडिडेट काउंटिंग में दिख जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कैंडिडेट आप लोग को दिखे। अब यहाँ पे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर हम अपना रोल नंबर कैसे देखें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मैं आप लोग को बिल्कुल एकदम सिंपल चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आप लोग रोल नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग जल्दीबाजी में हैं तो आप लोग यहाँ पर Ctrl F, जी हाँ Ctrl F आप लोग करेंगे, आप लोग देखेंगे ऊपर जो है आप लोग का इस प्रकार का जो बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जो भी आप लोग का नाम है, ठीक है। नाम लिखते ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे पॉइंट बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो मुकेश नाम के जितने भी कैंडिडेट हैं उन वो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आप लोग एंटर मारते जाएंगे, आप लोग को अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं, नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग का सिंपल मेथड है, आप लोग का जो भी रोल नंबर है, ठीक है, सीधे सीधे आप लोग उस रोल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आप लोग देखेंगे आप लोग का नाम जो रोल नंबर है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यदि रोल नंबर आप लोग को लग रहा है कि रोल नंबर से नहीं मिल पा रहा तो आप लोग अपना नाम डालिए, अपना नाम से नहीं मिल रहा आप लोग जो है फादर नेम डालिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सबसे सिंपल यहाँ पर आप लोग का रोल नंबर है, आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, आप लोग को तुरंत यहाँ पर जो है यदि रोल नंबर होगा तो आप लोग का यहाँ पर दिखा देगा 1 by 1 और यहाँ पर आप लोग जो है ब्लू कलर का आप लोग का टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रोल नंबर चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए। यदि मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो आप लोग नॉर्मल भी इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट देखते हुए आप लोग सर्च कर सकते हैं आप लोग का स्टार्टिंग का नंबर क्या है, लास्ट का नंबर क्या है, थोड़ा टाइम लग सकता है। और यदि लैपटॉप कंप्यूटर पर है तो आप लोग Ctrl F करके आराम से रोल नंबर डाल के, रोल नंबर से मज़ा नहीं आ रहा, नाम डाल के सर्च कीजिए, फादर नेम डाल के सर्च कीजिए, आप लोग सर्च करिए, आप लोग का अपना रोल नंबर मीन्स आप लोग का अपना रिजल्ट यहाँ पर पता चल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान से लेकूँगा। यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।